सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है। आक्रोशित कर्मचारियों ने एक बार फिर सड़क पर अपना आक्रोश दिखाया, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की 8 यूनियनों ने एकजुटता दिखाते हुए भिलाई मुर्गा चौक पर प्रदर्शन किया। सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत मुर्गा चौक भिलाई से हुई, जहां एकत्र होने के बाद पदयात्रा करते हुए इस्पात भवन पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। कुछ कदम ही पदयात्रा आगे बढ़ी थी कि प्रदर्शनकारियों को जनसंपर्क विभाग के पास CISF ने घेराबंदी करके रोकने के लिए मुस्तैदी से खड़ी थी। इससे पहले ही GMIR JN ठाकुर खुद बीच सड़क पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इनके पीछे से CGM पर्सनल संदीप माथुर भी पहुँच गए। CGM ने हाथ जोड़कर सबको बीच में ही रोक लिया और बड़ा हंगामा होने से बचा लिया। ED PND पवन कुमार शहर से बाहर हैं, इसलिए कार्यवाहक ED CGM HRD निशा सोनी ने इस्पात भवन में ज्ञापन लेने से मना कर दिया। बतौर कार्यवाहक ED वह ज्ञापन लेने को तैयार नहीं हुई और साथ ही यूनियन नेताओं को यह मैसेज भिजवा दिया कि वह आज मुलाकात भी नहीं करेंगी, 2-3 दिन बाद जब चाहें बैठक कर लें। इस संदेश से कर्मचारी यूनियन नेता भड़क गए। वह इस नियत से आगे बढ़ रहे थे कि अब DIC को ही घेर कर इस्पात भवन में बात करेंगे और दिन भर इस्पात भवन में हंगामा करेंगे। संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। प्रमुख मांगों में से पहला ये मांग था 39 months का एरियर जो प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिया है, और बहुत सारे वेतन समझौता के लंबित मुद्दे हैं जिन्हें निराकरण करने के लिए ED PND को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो प्रबंधन ने बीच में हमें रोका। अल्टीमेट ये है मैडम कि अभी आज ED PND छुट्टी पे थे, इसके बाद आगे के संयुक्त यूनियन की मीटिंग होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी और फिर से ED PND को चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द NGCS की मीटिंग बुलाने की मांग करेंगे। सेल प्रबंधन की हठधर्मिता है, यहाँ तक कि एक सफल हड़ताल होने के बाद भी सेल प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों को अनदेखी किया और MOU होने के 2 साल के बाद भी और वेतन समझौता को पूर्ण नहीं करवाने के लिए बैठक नहीं बुला रहा है। ये सभी कर्मचारियों में आक्रोश है, इसीलिए आज यूनियन ने इस चौक से लेके इस्पात भवन तक के मार्च करने का निर्णय लिया था और ED PND से चर्चा करने का निर्णय लिया था। ED PND की अनुपस्थिति में CGM पर्सनल स्वयं उतर के आए और यहाँ उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों को इस्पात अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में कम से 20,000 के आसपास ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी कार्य ठेका में जाने लग गया है, तो जितनी योगदान BSP कर्मचारियों का उतना भी योगदान उनका है, तो उनका भी बोनस के लिए हम लोगों ने प्रबंधन को दिया है लेटर और दीपावली के पूर्व उनको बोनस। दूसरा चीज़ है, उनका भी वेतन समझौता अभी रुका हुआ है, तो हम सेल चेयरमैन से आज इसमें ज्ञापन दिए हैं कि उसमें ठेका मजदूरों का भी वेतन समझौता जल्द से जल्द किया जाए ताकि आने वाले समय उनको बेहतर वेतन मिले। फिलहाल सभी ट्रेड यूनियनों की बात का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। देखना होगा कि आगे सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर यह मामला कहां तक पहुंचता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।